है यार, यूट्यूब का एंटरटेनमेंट सेक्शन है जिसमें मैं क्या क्या देखना पसंद करता हूँ, और कुछ ऐड करना मैं भूल गया था ये कि बाइक से रिलेटेड जो रिव्यूज रहते हैं, जैसे कि सुपर एडवेंचर आई थी, उसके बाद में ट्रायम्फ बॉर्नविल आई गेस वो आई थी, ऐसे ऐसे जो न्यू बाइक्स आ रही है उनसे रिलेटेड कुछ रिव्यूज़ वगैरह रहते हैं, वो भी मैं देखना पसंद करता हूँ। सो नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूज़, क्योंकि हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एक पार्ट है न्यूज़, जो हमारे आजू बाजू में चल रहा है, जो कुछ चीज़ें हमारे आजू बाजू में चल रही है उनसे रिलेटेड जो कुछ न्यूज़ हम देखते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, हम देखना चाहते हैं वो। तो मैं कौन से प्लेटफॉर्म देखना पसंद करूँगा, करता हूँ, और किन से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें एक बेसिक चीज़ है कि मैं जो कुछ देखूँ, जो कुछ मैं देखना चाहूँ, उसमें डाटा होना चाहिए। इसमें मतलब कुछ फेंका फेंकी या फिर कुछ भी ऐसा इमोशनल करके चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ रियलिटी होनी चाहिए, कुछ डाटा होना चाहिए। अगर इस हिसाब से देखेंगे, डाटा के हिसाब से, तो इंटरनेशनल देखेंगे तो CNN है, आई गेस CBC है जिन्होंने अभी रिपोर्टिंग की थी ब्राज़ील में जो रेन फॉरेस्ट जला पूरा का पूरा, उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, तो उसके लिए वो चैनल्स है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है, द गार्डियन है UK, यूरोप से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कुछ न्यूज़ वगैरह जाननी है, इवन आप आर्टिकल भी रीड कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाकर, या फिर आप वीडियोज़ भी दे सकते हो। ऐसे ये मैं पसंद प्रेफर करता हूँ। दूसरा मैं प्रेफर करूँगा, इंडिया में आएंगे तो लल्लन टॉप बोल के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है, उनके वीडियोज़ मैंने बहुत सारे देखे, इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। NDTV है, प्राइम टाइम विद रवीश कुमार, वो तो सभी लोग देखते ही हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन नोस, और उनको रैमॉन मैक्सेस अवार्ड जो मिला अभी रिसेंटली वो है, उनके कुछ इंटरव्यूज भी है बहुत अच्छे। पर्सनल प्लेटफॉर्म पे हम देखेंगे तो पर्सनली भी डाटा बात करने वाले पुण्य प्रसन्न वाजपेयी है, अभिसार शर्मा है, धुरहाटी है, आकाश बैनर्जी है, तो वो लोग कुछ डाटा के साथ में बात करते हैं। इसमें कुछ प्रोपागेंडा नहीं है कि बाबा इस पार्टी को सपोर्ट किया, उस पार्टी को सपोर्ट किया, इसमें कुछ प्रोपागेंडा नहीं है। वेदर इज कांग्रेस, BJP, कोई भी पार्टी, कोई भी रहने दो, इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट डाटा। जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें, जो ओरिजिनल वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, ये सभी चीज़ें। सेम वे में वो लोग डाटा देते हैं, चाहे वो इंडिया के बारे में हो, इंटरनेशनली जो बात न्यूज़ आती है वो हो, कुछ भी हो, जिस न्यूज़ चैनल से, जिस प्लेटफॉर्म से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो न्यूज़ चैनल, वो न्यूज़ प्लेटफॉर्म मैं देखना पसंद करता हूँ। UK में द गार्डियन आई गेस द बेस्ट कहा जाता है, US में CNN आई गेस, एंड इंडिया में मुझे जो लगते हैं, मुझे मैं देखना जो पसंद करता हूँ उसमें द लल्लन टॉपिक मुझे अच्छी लगती है। अभी उसमें राजदीप सरदेसाई का उन्होंने एक ऐड कर दिया है, स्पेशल क्या बोलते हैं उसको, नेता नगरी बोल के एक सेगमेंट ऐड कर दिया है, उनका अर्थात चलता रहता है, वो भी बहुत अच्छा सेगमेंट है। तो वो इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, वो लोग डाटा के बारे में बात करते हैं, सो आई प्रीफर टू वॉच देम। एंड जो पर्सनल इंडिविजुअल्स के मैंने नाम लिया, वो लोग भी विथ डाटा बात करते हैं, दैट्स द ओनली रीज़न, देयर इज़ नो प्रोपेगेंडा ऑफ कांग्रेस BJP, यहाँ पे कोई पार्टी का कोई कुछ ये नहीं, रिलेशन नहीं है, बस डाटा हमें मिल जाए, क्योंकि ये सिविल राइट्स है, हर एक इंसान के राइट्स है, उसी के ऊपर RTI एक्ट बनाया गया है इंडिया में, कि आपको इन्फॉर्मेशन लेने का हक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल से ही देश बनता है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल एज दैट। सो आई प्रीफर टू वॉच न्यूज़, मैं ऐसे न्यूज़ देखना प्रीफर करता हूँ जहाँ पे ओरिजिनल डाटा हमको मिल सके, एंड दीज आर द नेम्स आई सेड इन यूट्यूब न्यूज़ सेक्शन। एंड क्या, लेट मी नो आप कौन कौन से न्यूज़ प्लेटफॉर्म देखते हो, आप कौन कौन से न्यूज़ प्लेटफॉर्म देखना पसंद करते हो, आपके कौन कौन से फेवरेट हैं, और आप क्यों देखते हो, एंड आपका कौन सा फेवरेट है और क्यों देखते हो, ये जस्ट मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ये हो गया यूट्यूब एंटरटेनमेंट फर्स्ट न्यूज़ सेक्शन। मूव ऑन करेंगे जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, इकोनॉमी मेल्टडाउन, एंड जो ब्राज़ील में रेन फॉरेस्ट का इशू हुआ उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस, और इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, एंड उनके बारे में मैं कुछ एनालिसिस करूँगा।
सो स्टिक टुगेदर एंड कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. मूविंग टू द नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड.